गूगल पे में काफ़ी लोगों को लोन नहीं मिलता है बोलते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल पे से आप लोग किस तरह से लोन ले सकते हो। पूरे प्रोसेस बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। गूगल पे एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर अगर कहीं पर लोन का ऑप्शन मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं मिलते तो फिर आपका जो सिविल स्कोर है यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे कि चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री, यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका जो भी सिविल स्कोर होगा यहाँ पर दिखाया जाएगा। आपने अगर सिविल स्कोर को मतलब यहाँ से पूरी तरीके से ओपन नहीं किए अपना पैन डिटेल डाल के, तो आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। पैन डिटेल डाल के अपना नेम वगैरह डाल के, उसके बाद सिविल जैसे दिखेगा नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो आप लोन के लिए एलिजिबिली हो क्या नहीं हो, सब कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गेट न्यू लोन और एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको इस तरह का दिया जाएगा प्रोसेस, जैसे कि देख सकते हो होम लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और कार का कुछ लोन है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहे तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि पर्सनल लोन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप कितना अमाउंट लेना चाहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। या फिर अगर आप दोस्तों होम लोन लेना चाहेंगे तो कितना अमाउंट आप लेना चाहेंगे वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर फिल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर स्कोर पे मैं क्लिक किया हूँ, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ से लोन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से दोस्तों एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर फिल किया हूँ पर्सनल लोन के लिए, आपको दिखाने के लिए डेमो की तरह, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट बताया गया 5,000 से लेके दोस्तों आप लोग 10 लाख तक ले सकते हो लोन, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितना लोन लेना चाहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग लोन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और नीचे यहाँ पर EMI पेमेंट जो भी होंगे वो सारे यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आप लोग लोन वगैरह अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने पहले कभी लोन लिए होंगे तो दिखाया जाएगा, जैसे कि मैं पहले लोन लिया था यहाँ से, ठीक है, वो लोन क्लोज हो चुका है, अभी फ़िलहाल लोन नहीं है मेरा, ठीक है। तो लोन अकाउंट मेरा क्लोज हो चुका है क्योंकि लोन को मैं पूरी तरीके से पेमेंट कर चुका हूँ। जैसे कि ब्रांच एप्लीकेशन में लोन लिया था, ठीक है, छोटा सा एक अमाउंट लिया था, वो लोन अभी तक क्लोज हो चुका है। सो मैं चाहूँ तो दूसरा लोन ले सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोन वगैरह ले सकते हो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी के लिए दोस्तों गुड बाय।